हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, मोस्ट अवेटेड तो मैं नहीं कहूंगा, इट वाज नॉट एन अवेटेड अनाउंसमेंट, बट द मोस्ट सॉट आफ्टर क्लैरिटी इज नाउ रिसीव्ड। आप लोगों का इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है, जिसके साथ हमारा डिपेंडेंट है हमारे सीए इंटर के और सीए फाइनल के May 24 के एग्जाम्स का डेट। अब सर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेट्स अनाउंस हो चुके हैं इसमें आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों का हिंदुस्तान का न्यूज है, द हिंदुस्तान टाइम्स का, और उसमें लिखा हुआ है कि पोल जो है वो 19th अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये 7 अलग अलग फेज में होकर के 4 जून को खत्म होगा। सर हमको ये समझ आ गया कि इन्होंने सीधा हमारे आईसीआई से ओवरलैप मारा। जितना अग्रेसिवली हमारा आईसीआई जितनी तेजी से भागा था डेट अनाउंस करने के लिए, उतने ही आराम आराम से आकर के इन्होंने पीछे से अटैक किया कि हम शायद मई में ना होने दें। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आना शुरू हो गए और आप अलग अलग जा जा करके अलग अलग जगह पे पूछोगे। पहला सवाल, सर क्या हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, और अगर होंगे तो कब से शुरू होंगे, और क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेट वाइज हो रहा है, मतलब स्टेट वाइज इलेक्शन अगर कहीं पहले खत्म हो गया तो वहां पर इन्होंने पेपर ले लिया, कहीं और बाद में किया, क्या ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या सर हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैंने एक ग्रुप भरा था, मेरे को 2 ग्रुप भरना है, क्या वो ओपन होगा, मेरे को एक और सब्जेक्ट लेना है, क्या वो ओपन होगा। सर देखो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताता हूं, इसका जवाब आज आईसीआई की खुद के पास नहीं है, क्योंकि ये न्यूज आईसीआई की कमिटी को भी आज ही मिली है। आज जब उनको न्यूज मिलेगी, उनकी मीटिंग होगी, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजन लिया जाएगा। उसके पहले हर वीडियो में, हर रील में आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेशन होगा, तो बिल्कुल भी इन चीजों का जवाब ही मत मांगिए। अभी अभी आप बस ये समझ जाइए कि पेपर डेफर होने के थोड़े से चांसेस है, वो भी नहीं पता किस तरीके से इंस्टीट्यूट मैनेज करेगा इसको, दैट इज नॉट श्योर, दैट इज फॉर द हायर लेवल कमिटी टू डिसाइड, एंड वंस दे डिसाइड आई एम प्रीटी श्योर दैट इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू कम टू यू एंड टेल देम योर सेल्फ, और आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि से नो टू स्पेक्युलेशन, अगर कोई भी स्पेक्युलेट कर रहा है तो मेरे को पता है इससे किसका नुकसान होता है, पता है सिर्फ तुम्हारा। मैं तो आगे बोल जाऊंगा, अरे पता है एग्जाम में अभी 5 जून से होगा, अरे मेरा एग्जाम है क्या, जिसका है उसको फर्क पड़ेगा ना। तो दोस्तों प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, सेम ओडू स्पेकुलेशन, कोई भी अगर स्पेकुलेट करे उसको डांट लगाइए, आपका पेपर नहीं है, आप चुप रहिए, आपका पेपर होता तो आप बोल सकते थे, और इस तरीके से स्पेकुलेशन रुकवा दीजिए। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सर सीधी बात है पढ़ाई रोक देंगे ये तो मतलब आपका मन भी नहीं मानेगा। एट द सेम टाइम सर आई थिंक नाउ व्हेन यू हैव मोर टाइम यू हैव टू टेक बिगर चैलेंजेस। अगर आपने 2 ग्रुप लिया है तो अब आपका एम रैंक के लिए होना चाहिए, अगर आपने 1 ग्रुप लिया है तो अब अगर आप सेकंड अगर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल दें तो अपन फिगर आउट करेंगे, पर सर अगर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं खोलेगा तो हमको अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, जहां हम 50 का टारगेट सोच रहे थे वहां अब हमारा टारगेट 70 होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, अगर आप 1 ग्रुप दे रहे हो तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो, थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई के समय को काट सकते हो, क्यों, क्योंकि सर अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाएगा ना, देन यू विल हैव टू सेव सम एनर्जी फॉर अगेन द लास्ट मंथ विच वॉज सपोज टू बी अप्रैल, नाउ अप्रैल मे और मे नॉट बी द लास्ट मंथ ऑफ योर एग्जाम, राइट। सो प्लीज मेक श्योर दैट आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों का मन नहीं मानता रुकने के लिए, और ये आप समझ लो May 24 अटेम्प्ट का ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है इलेक्शन, जैसे हर अटेम्प्ट का एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। अगर इलेक्शन की हवा नहीं होती ना, एक तरफ से हवा आती, पेपर चेकिंग खराब हो रहे, बच्चे फेल हो रहे, सब हवा आती, आप दब जाते, तो इस बार वो हवा इतनी ज्यादा नहीं उठी, इस बार क्या हवा उठी है इलेक्शन की। तो भैया ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन हर एग्जाम में, हर अटेम्प्ट में होता ही होता है, और आपके साथ भी है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आई नो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज नॉट अ गुड न्यूज, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल इट इज अ गुड न्यूज, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, ठीक है जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि सबके लिए एक बराबर बात है, हाँ तो मेरे को जो भी बोला वो मेरे को चलता है। सर हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों अब मैं आप लोगों को वो बताता हूं जो मैं जहां पे आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो तुम्हारा अनप्रोडक्टिव टाइम और भी ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव टाइम भी बहुत सारा अनप्रोडक्टिव हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप फाइनल के बच्चे हो तो क्या, इंटर के बच्चे हो तो क्या, सर फाइनल के बच्चे जो भी आपका सब्जेक्ट में वीकनेस है, टाइम आ गया उसको आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाओ। इस अटेम्प्ट में आप वीकनेस के साथ जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चा हर सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ बना के जा रहा है, तो आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओगे, उस सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करोगे। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के लिए बताऊं, सर थोड़ा सा बोल लूं, ऐसा तो नहीं करोगे कि वीडियो को ये कर दोगे क्योंकि मैंने प्रमोशन किया, मेरी परसों से कल से प्रैक्टिस बैच शुरू हुई है, तो प्रैक्टिस बैच ये अजम्पशन पे ही था कि आपका अटेम्प्ट डिफर होने वाला है, इतना तो नहीं सोचा था, पर हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस बैच में रोज 9 से 10:30 मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट टैक्स पढ़ूंगा, जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा वो कल मैंने यूट्यूब पे डाला है, वो वीडियो जाके देखो आप डिसाइड करो, आपको कोई नहीं बोल रहा है लेने, पर परख लो कि मेरा डीटी इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं ना तो 0 से मारेंगे अटैक और ऊपर जा करके उसको 70 पे लेके जाएंगे, देखते हैं ना कैसे नहीं आएगा, ठीक है। और जो बच्चे इंटर के हैं
सर अगर आपके पास मेरी बुक्स और है तो वेरी गुड, आप रैपिड रिवीजन शुरू कर सकते हो जो हमने 20 घंटे का डाला है। उस 20 घंटे के रैपिड रिवीजन का भरपूर फायदा उठाइए, उसको अगले समय में तीन बार तो खत्म कर ही देना ताकि आपको लॉ में बहुत ग्रिप आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे को ये भी पता है आपके सारे सब्जेक्ट के आपकी फैकल्टीज रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आके आपको बहुत सारा सपोर्ट देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार शांत हो जाइए, चिल मारिए, टेक अ बैक स्टेप, जैसे वो शेर होता है ना एक कदम पीछे लेता है जब उसको लंबी कूद लगानी होती है जो भी, तो वैसे ही एक कदम पीछे लीजिए एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू वेल। ठीक है, टेक इट पॉजिटिवली, इट्स ओके, डोंट लेट एनी नेगेटिविटी कम अराउंड यू एंड इट्स ऑल फाइन एज लॉन्ग एज इट इज द सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो समझ आया, आपको हेल्पफुल लगा, आपको प्रोडक्टिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्रैक्टिस मैच जरूर देख लेना क्योंकि ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है, ये मेरा वादा है। और हमारे पास ऑलरेडी 600 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो यू वोंट बी द फर्स्ट वन, यू वुड बी प्रॉबली द लास्ट वन, राइट? सो डोंट वेट फॉर इट, जस्ट क्विकली ज्वाइन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप तो भयंकर सारे वीडियोज आते रहेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।